हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मायसेल्फ मेघना पारेख, और आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। ओके, तो अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आप आईसीएआर जेआरएफ में दे रहे हैं, एएसआरबी नेट में दे रहे हैं, चाहे बीएचयू का एग्जाम दे रहे हैं या एएफओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोग के एग्जाम्स क्वालिफाई करने के अंदर। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको जब भी हमारे चैनल के ऊपर नया लेसन आएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसकी मिलेगी। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि हम लोगों ने एक व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट किया है, जो कि सिर्फ 300 रुपीज पर मंथ की जो फीस है उसके ऊपर स्टार्ट होता है। तो ये जो अगर आप लोग इनमें से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ में जितने भी हम लोग यूट्यूब पे वीडियोज बनाते हैं उन सब की पीडीएफ और उन सब की आंसर कीज जो है वो सब वहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। साथ साथ में अगर आप लोग की कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी वहाँ पे सारे सॉल्व किए जाते हैं। और साथ साथ में आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सारे एग्जाम रिलेटेड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स और विद उनकी आंसर कीज और उनके एक्सप्लेनेशंस जो है वहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आप लोग वेट मत करें और जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का पूरा वीडियो, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, तो वो फंजाई और किसके बीच में फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है एल्गी के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंकी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो फ्रैंकी जो है वो एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एसोसिएटिव सिम्बायोसिस, तो हमारी जो एजोस्पाइरलम है वो हमारी एसोसिएटिव सिम्बायोसिस दिखाती है। ओके, नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो हमारी एंटीबायोटिक है वो किसने डिस्कवर करी थी? वो करी थी हमारी वॉक्समैन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो पेनिसिलिन जो है वो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, नेक्स्ट है, बैक्टीरियोफाज बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो बैक्टीरियोफाज जो है वो एक तरीके का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म राइजोस्फेयर वाज कॉइंड बाय, तो हमारे जो हिटनर थे उन्होंने हमारे राइजोस्फेयर जो वर्ड था उसको कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द यूज ऑफ कंडेंसर इन माइक्रोस्कोप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जो एबी थे उन्होंने कंडेंसर का यूज बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मोल्ड रॉट इन द ब्रेड इज कॉज्ड बाय, तो जो हमारी पेनिसिलिन होती है वो हमारा ब्लू मोल्ड कॉज करती है ब्रेड के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज फाइनली डिसअप्रूव्ड बाय, तो जो हमारे लुईस पास्टर थे उन्होंने जब वो एस फ्लेक्स वाला आपको याद है एस नेक का एक फ्लास्क उन्होंने पूरा बनाया था और उसके ऊपर पूरी उन्होंने रिसर्च करी थी, तब जब उन्होंने वो पूरा डेवलप कर दिया था तो उसके बाद में उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी उसको इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रे फंजाई इज अनदर नेम फॉर द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारे जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, हमारी जो फंजाइज होती है उनको हम लोग रे फंजाई भी बोलते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो है वो रेज जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, अब फाइकोलॉजी जो है वो हमारी एल्गी की स्टडी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन, तो हमारा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है नेचर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो साइनोबैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन नेचर के अंदर है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी हेल्प करती है, साथ साथ में ये खुद का खाना खुद बना लेती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, नाइट्रिफिकेशन रेफर्स टू द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू, अब ये किसका कन्वर्जन करते हैं? ये नाइट्रेट से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइकोराइजा आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड, अब माइकोराइजा जब फॉर्म होता है तो वो प्लांट रूट्स के अंदर होता है। ठीक है, और जब फंजाई और एल्गी होती है तो हमारे लाइकेंस फॉर्म होते हैं। ओके, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है तो अच्छे से आप लोग एक बार इसको रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17,
बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉज्ड बाय, तो ये हमारी इर्विनिया कर्टोवेरा है जो कि हमारी सॉफ्ट रॉट कॉज करती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. द केमिकल सोडियम प्रोपोनेट इज जनरली यूज्ड एज अ इनहिबिटर ऑफ. अब सोडियम प्रोपोनेट जो है वो एक तरीके की मोल्ड को जब हम लोग को इनहिबिट करना होता है तो अब हम लोग ये केमिकल का काम में लेते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वो हमारा क्लोस्ट्रीडियम होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारी जो फ्रैंकी होती है वो हमारी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होती है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटोमोपैथोजन ऑफ फंजाई, है ना, तो कौन सी नहीं है. तो हमारी जो पेनिसिलियम होती है वो हमारी एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बायोगैस कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विच गैस, तो बायोगैस जो होती है उसके अंदर मिथेन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस टाइफस फीवर, तो हमारे जो रिक्टेशियाज होते हैं ये हमारा टाइफस फीवर कॉज करते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, तो हमारे जो सेक्रोमाइसिस होती है वो हमारे यूनिसेलुलर फंजाई होती है. ओके, जिसको हम लोग बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरेब्राई वो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरिक रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए, तो जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो होता है रिकॉम्बिनेशन कॉज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट, तो हमारे जो नाइट्रोसोमोनास होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्रेट. ओके, स्पेलिंग का ध्यान रखना, आईटीई से लेकर एटीई में कन्वर्जन करना है. ओके, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म करते हैं, वो हमारे नाइट्रोबैक्टर होते हैं जो कि नाइट्राइड से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रिंग अबाउट डीनाइट्रिफिकेशन, तो हमारे जो थियोबैसिलस होते हैं वो हमारा डीनाइट्रोफिकेशन कॉज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बोल वॉर्म रेजिस्टेंट कॉटन वेराइटीज कंटेन जीन फॉर विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो बोल वॉर्म होती है वो एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, जो कि हमारी कॉटन को खा जाते हैं. तो जब हम लोग ने वेराइटी बनाई जिसको हम लोग बीटी कॉटन बोलते हैं ना गाइस, तो वो जो है वो उस बैक्टीरिया पे काम करते हैं, यानी बोल वॉर्म की इंटेस्टाइन में जाके काम करते हैं जो कि एक तरीके का बैक्टीरिया है. ओके, तो किसके ऊपर काम करेंगे, उस बैक्टीरिया पे काम करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल, तो हमारे जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना, जब हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजीज काम में लेते हैं तो उसमें हम लोग काम में लेते हैं जो हमारे प्लाज्मिड्स होते हैं उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है द टर्म प्लाज्मिड वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो हमारे जो लेडरबर्ग थे उन्होंने प्लाज्मिड टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करी थी. ओके, नेक्स्ट है द जेनेटिक मटीरियल ऑफ वायरॉइड्स इज, तो वायरॉइड्स जो होती है वो वायरस से भी बहुत छोटे वो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है. ओके, नेक्स्ट है कोकोनट कुडैंग इज कॉज्ड बाय, तो वो कौन कॉज करता है, वायरॉइड्स जो होते हैं वो ही कॉज करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो हमारे जो एंटीबायोटिक मोस्ट है नंबर, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, एक्टिनोमाइसिटीज प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थी स्मेल इन द सॉइल, तो जब आफ्टर रेन जो स्मेल आती है ना सैंड में से बहुत ही अच्छी सी, तो वो किसकी वजह से आती है, वो हमारे एक्टिनोमाइसिटीज की प्रेजेंस की वजह से आती है. ओके, नेक्स्ट है कैप्सिड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो कैप्सिड होता है ना, आपको रिमेम्बर आपको वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, तो हम लोग और फिर यहाँ पे पूरा नेक होता है और फिर उसके नीचे हमारे पूरे टेंटिकल्स होते हैं उसके वायरस के, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना ऊपर वाला, तो ये इसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं या फिर कैप्सूल पार्ट बोलते हैं, तो ये हमारा जो है वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके, आई होप आपको स्ट्रक्चर याद होगा वायरस का, तो आप लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे. नेक्स्ट है अजोला शोस सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद, अब अजोला जो है वो किसके साथ में एसोसिएशन दिखाती है, वो एनाबीना के साथ में दिखाती है. ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिट्रोसिस्ट जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिट्रोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ओके, जो मैंने आपको बताया था ना हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, तो उसका कुछ इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है. उसमें हमारे पास एक अलग से पूरा एक सेल होता है जिसको हम लोग हिट्रोसिस्ट बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है उसको. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिट्रोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो हमारे जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है. जो हमने ऊपर अभी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करी थी कि वो भी एक तरीके के साइनोबैक्टीरिया ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर हिट्रोसिस्ट वाला सेल होता है. ओके, तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है. तो अगर आप लोग को एक चीज कंफर्म है तो आप उसके साथ में उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. माइकोराइजा इज इंपॉर्टेंट इन अपटेक ऑफ. माइकोराइजा का जो हमने अभी पढ़ा था सिंबायोसिस, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फॉस्फोरस का अपटेक जो है या फिर इनटेक जो है वो बढ़ा देता है. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. साइडोस्पोर्स आर यूजफुल इन चिलेटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स. तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है या फिर चिलेशन हम लोग बोलते हैं कि जॉइनिंग किसी चीज का या जुड़ना किसी के साथ में. ठीक है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में चिलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हैं उसी तरीके से, तो जो साइडोस्पोर्स होते हैं वो आयरन को चिलेट करने में हेल्प करते हैं. ओके नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम सब होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. बैक्टीरिया डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय, गाइस ध्यान से पढ़ो, डू नॉट लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिशन भी करते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी स्पोर्स से जो फॉर्म होता है वो भी करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे बैक्टीरिया नहीं करते. तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. TMV दैट इज टबैको मोजैक वायरस कंटेन डैश जेनेटिक मटीरियल. तो ऑब्वियस है एक तरीके का वायरस है, तो वायरस जो होता है उनके अंदर मोस्टली जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो हमारा आरएनए होता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सिफिलिस इज कॉज बाय. अब सिफिलिस जो डिजीज है वो कौन कॉज करता है, वो कॉज करता है हमारा ट्रिपोनेमिया पॉलीडेम. ओके ये एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु डिस्कवर्ड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. अब भाई किसने ढूंढा था मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट, तो ये हमारे लैब्रन थे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. द फिनोमिना ऑफ आइस न्यूक्लिएशन इन्वॉल्व. तो इसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया काम में लेते हैं. ओके नेक्स्ट है हमारा एन एसिटाइल मर्म्यूरिक एसिड जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, तो वो हमारी जो हमारी सेल वॉल होती है ना, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर एन एसिटाइल मर्म्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. ध्यान से पढ़ो, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. तो हमारे जो इन्फ्लुएंजा के वायरसेस होते हैं वो मोस्टली इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी सेल के अंदर चले जाते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. स्क्रैपीज डिजीज ऑफ शिप इज कॉज्ड बाय. तो ये हमारे जो पायरॉन्स होते हैं उनकी वजह से ये स्क्रैपीज डिजीज जो है वो कॉज होती है. ओके तो हमारा आज का जो लेसन था वो इतना ही था. तो अगर आप लोग एग्रीकल्चर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं. और इससे आपका जितनी भी एग्जाम्स के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को. हमारा चैनल का नाम एग्रीकल्चर एंड जीके है. तो आप लोग अगर अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.